नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 और 6 दिसंबर की आपकी राशि के महाराशि फल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी इसमें बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दुगुनी रात चौगुनी तरीके करें। तो आइए दोस्तों से साथ बात करते हैं यश में। घरों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा। दोस्तों इन्हें दो दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसे होते होंगे, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छे उपाय हैं जिन्हें आप करके इन दिनों को और भी ज़्यादा लाभकारी बना पाएंगे। उससे पहले दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, जान लेते हैं पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में। सबसे पहले दोस्तों 5 दिसंबर की बात करें तो रविवार का दिन होगा, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि होगी और दोस्तों इस दिन ज्येष्ठा नाम का नक्षत्र रहेगा। वही दोस्तों दिन योग की बात करें तो दोस्तों दिन शूल नाम का शुभ योग और गंड नाम का योग रहने वाले हैं। वही दोस्तों दिन राहु कल समय की बात करें अर्थात अशुभ समय की, दोस्तों ध्यान रहे आप यह समय कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्यों को भूल से भी ना करें। तो दोस्तों यह समय रहेगा शाम के 4:17 लेकर शाम के 5:36 तक। वह दोस्तों चंद्रमा दिन वृश्चिक राशि के उपरांत धनु राशि में संचार कर जाएंगे। वही दोस्तों अगले दिन 6 दिसंबर की बात करें तो सोमवार का दिन होगा, भगवान भोलेनाथ का दिन होगा, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी और पूर्वाषाढ़ा नाम का दिन नक्षत्र रहेगा। और दोस्तों ये दिन भी वृद्धि नामक शुभ योग रहने वाले हैं और यह यज्ञ भी आपके प्रत्येक क्षेत्र के लिए लाभकारी स्थिति आपको देने वाले होंगे। वही दोस्तों राहु कल के समय दिन सुबह की 8:18 से लेकर सुबह के 9:38 रहेगा और दोस्तों चंद्रमा ये दिन धनु राशि पर संचार करेंगे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं दो दिनों की जो ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा का जो गोचर है आपकी राशि पर, आपके दैनिक दिनचर्या पर क्या क्या प्रभाव लेकर आती है, चलिए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों अगर आप यश में राजनीतिज्ञ हैं तो आपको यश समय राजनीति में लाभ मिलने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। यदि आप पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई कार्य करने के प्रयास कर रहे हैं तो दोस्तों यश में वो कार्य जो है सफल हो सकता है। वाहन इत्यादि की सुख सुविधा जो है प्राप्त होने की संभावनाएँ अच्छी पाई जाती है। दोस्तों यश में आपकी आर्थिक दृष्टि से ये जो समय होंगे उन्नतिदायक समय होगा। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी सावधानी यानी नेगेटिव की अगर बात करें तो अपने खर्चों पर बढ़ोतरी होने के आसार हैं। लंबी यात्राओं के योग भी आपके लिए यह समय बन सकते हैं। हालांकि दोस्तों यात्रा के दौरान आपको कुछ परेशानियां भी हो सकती है, इसलिए सावधानी बरतें। जो जातक जो है नौकरी शुदा है उन्हें अपने लक्ष्यों को हासिल करने में थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। वहीं दोस्तों इन दिनों में आपके लिए जो समय होंगे वह व्यवसायिक जीवन में उन्नति का मार्ग खुलेगा, प्रमोशन होने के योग हैं। व्यापार में जिस टेंडर या फिर प्रोजेक्ट का आप कुछ समय से इंतजार कर रहे थे वह आपको इन दिनों में मिल सकता है। किसी भी बात की जल्दबाजी ना करें, पूजा पाठ करना आपके लिए यह समय अच्छा रहेगा। नए लोगों से मेल जोल बढ़ेगा जिससे आपके जीवन में एक नयापन और प्रगति के नए अवसर मिलेंगे। अपने मन में स्थिरता और संयम बनाए रखें, प्रोफेशनल वातावरण में उस स्पेशल व्यक्ति से जो है मुलाकात हो सकती है। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों कोई व्यवसाय करना अगर चाहते हैं तो उसके लिए जो समय है मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन फल जो है आपको अच्छा मिलेगा और जल्दी ही मिलेगा। वहीं दोस्तों आपके लिए ये जो दिन होंगे सामान्य दिन होगा, लेकिन कठिन परिश्रम करने से जो कार्यों में सफलता मिलेगी। अनावश्यक खर्च की अधिकता रहेगी, लेकिन आय में वृद्धि होने से जो है आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे, जो अविवाहित जातक हैं रिश्ते की बात आगे बढ़ाना चाहते हैं वे यश में जो है प्रयास कर सकते हैं, सफलता मिलने के प्रबल आसार हैं। हालांकि दोस्तों जिन विवाहित जातकों के रिश्तों में अनबन चल रही है वे संयम से काम लें, अन्यथा मामला और अधिक गड़बड़ा सकता है। दोस्तों इन दिनों में आपके लिए जो समय होंगे परिजनों के साथ आप समय बिता सकेंगे, समय बिताने का जो है आपको इसमें मौका मिलेगा। दोस्तों इन दिनों में किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है, इसलिए दोस्तों यश में आप अपने आप को तैयार रखें। वही दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो थोड़े से प्रयास से किसी पुराने रोग से जल्दी ही निजात मिलेगा। साथ ही दोस्तों इन दिनों में आपको खान पान पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी,
दोस्तों इन दिनों में आपका भाग्यशाली रंग रहेगा सफ़ेद और भाग्यशाली अंक रहेगा 4। वहीं दोस्तों इन दिनों में गणेश जी को ऐसा लगता है कि आपका निजी जीवन तनावपूर्ण बन रहा है, इसलिए आपको अपनी समस्याओं पर पूरी जो है तरह ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। दोस्तों आपकी समस्याओं का अंत होने का समय जो है नज़दीक आ रहा है, इसलिए खूब धैर्यपूर्ण समग्र परिस्थिति संभालने का सलाह जो है इसमें गणेश जी आपको देते हैं, ताकि उसके परिणाम आपके पक्ष में आ जाए। वही दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी वित्तीय स्थिति यानी धन को लेकर बात करें, तो ऑफिस में ये जो समय है आपके लिए खुद को आत्मविश्वासी आप महसूस कर सकते हैं, और इसलिए आप स्वयं को साबित करने के लिए उत्साहित होंगे। ये जो आपके लिए समय होंगे इन दिनों में, शोधकर्ताओं के लिए एक लकी दिन होगा। आप धीरज रखकर सावधानीपूर्वक निर्णय ले सकते हैं। आप जो है सुनिश्चित करेंगे कि चीज़ें प्रभावी ढंग से हो सके। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी पारिवारिक जीवन की बात करें, तो आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे इन दिनों में, रिश्ते के मामले में शानदार दिन नहीं कहा जा सकता है। आपको अपनी भावनाओं को संभालने में परेशानी आ सकती है। इस तरह आपका भावना जो है भावनात्मक तनाव को आप संभालना, ये जो समय के लिए चुनौती होगी। गणेश जी का मानना है कि रोमांटिक म्यूजिक आपको जो है तनाव मुक्त रखकर आपकी जो पारिवारिक जीवन है उसकी भावनाओं को बढ़ावा देगा। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें, तो गणेश जी के अनुसार ये जो आपके लिए समय होंगे, अपने वर्क प्लेस पर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन आप करेंगे, जो सीधे आपकी वित्तीय प्रगति से जुड़ा होगा। और ये जो समय है वर्क प्लेस पर कड़ी मेहनत आप जो है करेंगे। वहीं दोस्तों इन दिनों में गणेश जी आपको इन दिनों में चीज़ें के बारे में जो है विस्तृत से जानने का और सोचने का और आवेगपूर्ण निर्णय लेने से बचने का सुझाव देते हैं। दोस्तों इन दिनों में चीज़ों को आसानी से आगे बढ़ने दें, ये आपके लिए एक अच्छा दिन नहीं कहा जा सकता है। दोस्तों इन दिनों में आपको जो है अपनी भावनाओं का साथ जो है डील करने से परेशानी होगी। साथ ही दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे इन दिनों में, अगर आप पिछले कुछ वक्त से जो है झुंझाहट महसूस कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको इस बात को याद रखना चाहिए कि सही कर्म और विचार आपके लिए जो है बहुप्रतीक्षित राहत ले आएंगे। दोस्तों इन दिनों में संदिग्ध आर्थिक लेन देन में फंसने से आप सावधान रहें। ये जो आपके लिए दिन होंगे खुशियों से भरा समय होगा, क्योंकि आपको जीवन साथी से जो है पूरा सहयोग मिलेगा। आप उन्हें खुश करने के लिए हर प्रयास करेंगे। आपका बेपनाह प्यार आपके लिए जो है यह समय बेहद ही कीमती है। दोस्तों इस राशि के लोग बड़े ही दिलचस्प होते हैं। ये कभी लोगों के बीच रहकर खुश रहते हैं, तो कभी अकेले में। हालांकि अकेले वक्त गुजारना इतना आसान नहीं है, फिर भी ये जो दिन है कुछ समय आप जो है अपने लिए जरूर निकाल पाएंगे। दोस्तों इन दिनों में उन्माद में घर जाने का है, क्योंकि दोस्तों आप अपने जीवन साथी के साथ प्रेम के चरम सीमा का अनुभव करेंगे। टीवी पर फिल्म देखना और अपने नज़दीकी लोगों के साथ गप्पे मारना, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। अगर आप थोड़ी भी कोशिश करें तो आपका जो दिन है इसमें इसी तरह गुजरेगा। साथ ही दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे इन दिनों में, किसी भी विवाह या फिर मंगल काम में तन मन धन से जो है मदद करना आपके लिए आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, तो आप इन्हें जरूर कीजिएगा। दोस्तों यश में आप घर के आसपास या फिर मंदिरों में जाकर जानवरों और जरूरतमंदों को खाना खिलाएं। दोस्तों ऐसा लगातार करने से आपके भाग में वृद्धि होगी। साथ ही कम से कम 10 रुपया आप जन कल्याण में जरूर खर्च करें। दोस्तों वह बात किसी को न बताएं। दोस्तों यह आपके भाग्य में वृद्धि करने के लिए लाभदायक साबित होंगे और आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे।